मैथमेटिक्स के इस क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पी प्लस वन वाई क्यू टू द पावर पी इंटू पी माइनस वन वाई क्यू टू द पावर क्यू डिवाइडेड बाई क्यू प्लस वन वाई पी टू द पावर पी और क्यू माइनस वन वाई पी टू द पावर क्यू इक्वल टू पी वाई क्यू टू द पावर एक्स, देन द एक्स इक्वल टू, यानी आपको x का वैल्यू बताना है और चार ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन या फिर MCA एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, हम इसको यहाँ पर से फिर से कॉपी करें। पी प्लस वन वाई क्यू टू द पावर पी डॉट पी माइनस वन वाई क्यू टू द पावर क्यू डिवाइडेड बाई क्यू प्लस वन वाई पी टू द पावर पी डॉट क्यू माइनस वन वाई पी टू द पावर क्यू इक्वल टू हमारा क्या है, पी वाई क्यू टू द पावर एक्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम क्यू लेंगे। तो यहाँ पर अगर एलसीएम क्यू लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्यू और यहाँ पर से हो जाएगा पी क्यू प्लस वन टू द पावर पी। उसी तरह से अगला टर्म को अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं क्यू तो आपका हो जाएगा पी क्यू माइनस वन टू द पावर क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू ही लिखते हैं यहाँ पे, पी क्यू प्लस वन डिवाइडेड बाई पी टू द पावर क्या हो जाएगा पी इंटू, और यहाँ पर से भी एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं पी तो हमारा क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस वन टू द पावर क्यू और इक्वल टू पी वाई क्यू टू द पावर एक्स। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगले टर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो या तो हम चाहें तो दो लाइन में एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं पी क्यू प्लस वन टू द पावर पी डिवाइडेड बाई क्यू का पावर पी इंटू पी क्यू माइनस वन टू द पावर क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा क्यू, और इसी तरह से नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस वन टू द पावर पी डिवाइडेड बाई पी का पावर पी इंटू क्यू पी क्यू माइनस वन टू द पावर क्यू डिवाइडेड बाई पी का पावर क्यू। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्यू का पावर क्यू यहाँ पर हो गया, क्यू का पावर क्यू, देखिए यहाँ पर क्यू बाई क्यू था और यहाँ पर क्या था पी, पी का पावर पी और पी का पावर क्यू, यहाँ पर क्यू का पावर पी और क्यू का पावर क्यू इक्वल टू हमारा क्या है पी वाई क्यू टू द पावर एक्स। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये टर्म हमारा दोनों ज्यों का त्यों रह जाएगा, पी क्यू प्लस वन का पावर पी और डिवाइडेड बाई क्यू का पावर पी इन टू यहाँ पर से, और इसका हो जाएगा पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, यानी सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा यहाँ पर से पी क्यू माइनस वन टू द पावर क्या हो जाएगा क्यू और क्यू का पावर क्यू। अब देखिए यहाँ पे हमारा आएगा नहीं तो इसलिए इसको हम लोग इसको क्या करें इरेज कर दे रहे हैं इन टू, देखिए नीचे वाले टर्म क्या होगा उल्टा लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा पी का पावर पी डिवाइडेड बाई पी क्यू प्लस वन का पावर पी इंटू, अगर यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा पी का पावर क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू माइनस वन,
पी क्यू माइनस वन का पावर कितना, क्यू, और इक्वल टू कितना है, पी वाई क्यू, पी वाई क्यू का पावर एक्स। क्लियर है? अब देखिए पी क्यू प्लस वन का पावर पी, पी क्यू प्लस वन का पावर पी, तो कौन कौन यहाँ पर हमारा कैंसिल होगा उसको ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या होगा, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए पी क्यू माइनस वन का पावर क्यू, पी क्यू माइनस वन का पावर क्यू, ये हमारा इससे कैंसिल हो गया। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी का पावर पी इंटू पी का पावर क्यू डिवाइडेड बाई क्यू का पावर पी इंटू क्यू का पावर क्यू इक्वल टू पी वाई क्यू टू द पावर एक्स। देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो पी का पावर पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू का पावर, उसी तरह से पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वाई क्यू और एक्स। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी वाई क्यू का पावर, दोनों का पावर सेम है तो ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू इक्वल टू पी वाई क्यू टू द पावर एक्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों बेस सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू इक्वल टू एक्स, और आपको क्या किसका वैल्यू चाहिए था, एक्स का ही वैल्यू चाहिए था। तो इसके अनुसार जो आप लोग का ऑप्शन आपका क्या होगा, यानी ऑप्शन तो हम यहाँ पे मिटा दिए, ये सी ऑप्शन में दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सोल्व करते हैं। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।